और काबुल छोड़ने से पहले अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। जी हां, यूएस आर्मी की 01 ब्रिगेड ने अपनी सभी हथियार नष्ट कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने हथियारों से भरे कमरे को बम से उड़ा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हथियारों को नष्ट किया गया, जाने से पहले यूएस आर्मी ने अपनी गाड़ियों को आग के हवाले किया। देखिए किस तरह से यहां से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे जो गलतियां हुई है, जो हथियार तालिबानियों के हाथ लगे हैं उसका वो इस्तेमाल आतंक फैलाने में कर रहे हैं। तो अपने जो हथियार थे वो छोड़ते वक्त उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसको खत्म किया, उसको समाप्त किया, बम से उड़ाकर उसे खत्म किया। और डॉक्टर बरखा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बरखा, ये ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए कितनी बड़ी क्राइसिस है, ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक जब कई धमाके होते हैं, उसके दूसरे दिन फिर भारी संख्या में अफगानिस्तान के लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े नजर आते हैं। क्या गुजर रही होगी उन पर इस वक्त, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके लिए आने वाले वक्त में क्या करेगी दुनिया, क्या उनका होगा, ये एक बड़ा सवाल है, जहन में आता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी दो दिन बाद फिर से लोग वहां जुट गए, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग किस हद तक घबराए हुए हैं, कितना बुरा हाल है, वो लोग कितने बदहाली में हैं कि कुछ भी हो जाए या तो जिएंगे या फिर यहां से जीना है तो किसी दूसरे मुल्क में जिएंगे या फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और रही बात कल भी मेरे पास, क्योंकि मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रही हूँ और मेरे पास कल भी कुछ लोगों के मैसेज और पिक्चर्स आए हैं व्हाट्सएप में, जिन्होंने वो लोग सोशल वर्कर्स हैं और उनके यूएन के लिए करते रहे हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए थे, क्योंकि मैं खुद करीब 5 साल से अफगानिस्तान में काम कर रही थी। उनको तो बड़ा खतरा होता वहां पर। उन्होंने मुझे पूरे पूरे पिक्चर्स भेजे हैं कि कैसे जी उनके उनके लिए पूरा उन्होंने फतवा निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने यूएन ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। उन लोगों को साफ बोल दिया गया है कि आप अपने मतलब एक जगह बुलाया गया है और वहां जाके वो लोग उनको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं और जर्नलिस्ट, जैसे आपने खुद बताया, तमाम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अभी भी हमारे लिए वो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, अफगानिस्तान में रह रहे हैं, और गवर्नमेंट जर्नलिस्ट हैं। पूरी दुनिया से अपील की है कि आप हमें बचाइए, क्योंकि हमें सर्च किया जा रहा है, हमें मारने के लिए पूरा अभियान चलाया जा रहा है। अजीम भट्ट साहब, पत्रकारों को खतरा है, बिल्कुल सही है, आज भी वहां पर एक्टिविस्ट को खतरा है, लेकिन एक सवाल धैर्य से, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ सुनिए और उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप इंपेशेंट हो जाते हैं मेरे सवाल पर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि दुनिया में इस्लामिक मॉडल वाले बहुत सारे स्टेट हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई ग्रुप या कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी बॉडी वाला आदमी ग्रुप जो है वो एक देश बनाना चाहता है इस्लाम के बेस पे, लेकिन तालिबान जो मॉडल चाहता है उसका कहां उदाहरण है दुनिया में, और क्या वैसा उदाहरण पाकिस्तान स्वीकार करेगा और उसकी पैरवी वो दुनिया में कर रहा है? कौन सा मॉडल तालिबान बना रहा है अफगानिस्तान में जो आइडियल है इस्लाम के हिसाब से? हम सऊदी अरब देखते हैं, ईरान देखते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, 56 देश हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल, ये वैलिड क्वेश्चन है और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि तालिबान जिस सेंस के अंदर इस्लाम की तशरीह करके, इस्लाम को एक्सप्लेन करके जो तमाम चीजें कर रहे हैं, जो जिसके अंदर बर्बरियत भी शामिल होती है बाज़ औक़ात, तो वो हमारा इस्लाम बिल्कुल वैसा नहीं है। हमारा इस्लाम बिल्कुल दीन जो है वो अमन का पैगाम देता है। बिल्कुल आपने जो बात की है कि 56 कंट्रीज हैं और कहीं पे भी ऐसे माहौल नहीं है, बट पॉइंट ये है कि हमारा, हमने कतन ये नहीं कहा कि हम वहां पर शरिया लॉ जो आ रही है या तालिबान जो है वो इस्लाम के मुजाहिद है। हमारा कतन ये नैरेटिव नहीं, हमारा नैरेटिव सिर्फ ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के बासी हैं, उन्होंने अपने वतन के लिए जंग लड़ी है, वो जो भी मॉडल लेके आते हैं वो उनके ऊपर है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन का निजाम लाए, अमन का निजाम लाए, और वो कह भी रहे हैं। चलिए अजीम भट्ट, जो बातें आप कह रहे हैं वो आप खुद समझेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। आप खुद ही ये मान रहे हैं कि तालिबान सबसे ज्यादा गैर इस्लामिक काम करता हुआ वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की मजबूरी है, उसके साथ खड़े होते हुए आप नजर आते हैं, और तो और आपके एनएसए 9/11 की धमकी देते हुए नजर आते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मान्यता मिल जाए ऐसी सरकार को, ये भी हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।